Assalamualaikum students of grade six. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं and that you're ready to learn new things today. मैं हूँ सबा आपकी maths की teacher और हम कर रहे हैं आपकी book का chapter number one start, which is about sets. So let's go see what we're going to learn today. So today we will start by talking about sets. ये हमारा पहला chapter है, अभी आपका introductory class है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको समझ में आए कि हम sets के बारे में क्यों बात करें. And why are we going to start talking about sets? सेट्स मैथमेटिक्स में इसलिए यूज होते हैं ताकि जो एक जैसी चीजें हैं जो सिमिलर चीजें हैं जिनकी क्वालिटीज मिलती जुलती हैं उनको हम एक ही ग्रुप में डाल दें इससे फायदा ये होता है कि फिर जो भी चीजें किसी एक चीज पे अप्लाई होती हैं वो सब पे अप्लाई हो जाती हैं तो आपको सबको अलग अलग तरीके से स्टडी करना अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करना समझाना नहीं पड़ता आप कह सकते हो तो कि ये चीज़ जो है क्योंकि इसी ग्रुप या इसी सेट का हिस्सा है इस वजह से इस पे वो बाकी सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो बाकी इन चीजों के ऊपर होते हैं इस तरह से आप सेट्स को इंक्लूड कर सकते हो एंड अंडरस्टैंड कर सकते हो अब हम स्टार्ट करेंगे कि वर्डी डेफिनेशन क्या है ऑफ सेट्स सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट इज अ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को जब आप एक ग्रुप में डाल देते हो उनकी कलेक्शन को हम कहते हैं सेट वेल well डिफाइंड होता है जिसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया हो यानी जिसकी हमें क्लियरली बताया गया हो कि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए ये खूबी या ये चीज इसमें होनी चाहिए उसको हम कहेंगे वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट होता है मुख्तफ जो बिल्कुल अलग हो तो सेट में आप वो चीजें ऐड करते हो जो डिफरेंट होती हैं दूसरी चीजों से इन द सेम सेट ठीक है तो इसके साथ साथ अब हम आगे जाके इन चीजों को बेहतर तरीके से डिफाइन करते हैं कि वेल well डिफाइंड क्या होता है और डिस्टिंक्ट क्या होता है लेट्स सी फर्दर तो अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जैसा कि मैंने पहले बताया कि वेल well डिफाइंड से मुराद है उसकी डेफिनेशन बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि सिटीज इन पाकिस्तान तो मैं बता रही हूँ कि जी स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान के अंदर शहर है उनकी बात हो रही है अगर मैं कहती हूँ नाइस पीपल इन माई क्लास तो इससे क्या आपको समझ आ रही है कोई स्पेसिफिक क्वालिटी तो नहीं है ना इससे हमें एग्जैक्टली exactly तो नहीं पता चल रहा कि किसकी बात हो रही है नाइस nice से क्या मुराद है नाइस nice को हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं वी डोंट नो ऑल ऑफ दैट तो इस वजह से वेल डिफाइंड होना जरूरी है जिसमें आपको क्लियरली पता चले कि किस स्पेसिफिक क्वालिटी ट्रेड की बात की जा रही है इफ आई से वो सारे लोग जो कि जिनकी आंखें ग्रीन है उनको आप सेट में उनके नाम लिखें तो ये बहुत स्पेसिफिक है कि अच्छा जिसकी आंखें ग्रीन है आप सिर्फ उसका नाम लिखोगे अगर मैं कहती हूँ टॉल लोगों को तो आपको कैसे पता कौन टॉल कितना टॉल, टॉल क्या फीट से ऊपर होता है फीट से ऊपर टॉल होता है तो वो वेल well डिफाइंड नहीं होगा इस तरह से हम सेट्स को डिवाइड करते हैं बात ये होती है कि आप दो सेम चीजें सेट में बार बार नहीं लिखते डिस्टिंग यानी सेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो एक ही दफा होंगी वो बार बार रिपीट नहीं होती फॉर अगर आपने सेट बनाना है वो सारे लेटर्स का जो एंटार्क्टिका की स्पेलिंग में आते हैं तो आप एंटार्क्टिका की स्पेलिंग देखो ठीक है इसमें आप बार बार अगर ए जो है वो तीन दफा है तो आप सेट के अंदर तीन दफा ए नहीं लिखोगे आप सेट के अंदर एक ही दफा ए लिखोगे क्यों क्योंकि आपने डिस्टिंग ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग चीजों के अंदर लिखना है तीन दफा ए लिखने से वो डिस्टिंक नहीं रहेगा ए आपने लिख दिया इससे पता चल गया कि एंटार्क्टिका की स्पेलिंग में ए भी आता है Similarly, बाकी सारे को भी हमने एक दफा लिखा है रिपीट नहीं किया क्योंकि वो distinct होने चाहिए। इस तरह से हम बात करेंगे आगे हम कह रहे हैं, है, है। इससे मेरा क्या मतलब है इससे मेरा मतलब ये है कि अगर आप इस सेट को देखो आर जो है वो एक मेंबर है इस सेट का फॉर एग्जाम्पल इस सेट को हम नाम देते है ए तो आर जो है इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए और आर इज एन एलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट ए बाकी सारी चीजें जो इसके अंदर है वो सब क्या है वो सब मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं इस ए नेम्ड सेट के इस तरह से आप चीजों को एक्सप्लेन करते हो कि ये सेट है ये उसका नाम है और ये सारे के सारे जो हैं, उसके अंदर के मेंबर्स हैं अब अगर आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं अगर नहीं आया तो फिर से इन चीजों को एक दफा से सुने इंटरनलाइज करें क्योंकि हम आपकी पहली एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक स्टार्ट करने वाले हैं इज ए तो बिफोर वी प्रोसीड टू दैट इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आ गया हो ताकि आप मेरे साथ मिलकर जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चन को हल कर सकें सो ओवर हि आपको आठ डिफरेंट किस्म के सेट्स दिए हुए थे और उन्होंने कहा था उनमें से सिलेक्ट करें वेल well डिफाइंड सेट्स को अब मेरा तरीके है कि आई विल नॉट सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू हम करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस में आपके लिए कुछ पार्ट्स जो हैं वो सोल्व करूंगी और फिर उसी मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आप बाकी क्वेश्चंस को बाकी पार्ट्स को सॉल्व करोगे पहले क्वेश्चन में भी मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया है वेल well डिफाइंड से मतलब है जहां पर स्पेसिफिक तरीके से आपको बताया हो कि उस सेट में क्या आना चाहिए तो अगर हम देखिये पिक आउट वेल डिफाइंड सेट पहली वाली मैंने ऑप्शन लिखी है कि टेस्ट क्रिकेट कैप्टन के नाम लिखने हैं तो वो ऑब्वियसली स्पेसिफिक है

आपको पता है कि सिर्फ जो मैथ्स के टीचर्स हैं स्पेसिफिकली आपको बता दिया गया कैपिटल ऑफ प्रोविंस प्रोविंस दैट यू लिव इन उस के का नाम लिखें जिसमें आप रहते हैं जैसे अगर आप पंजाब में रहते हैं तो लाहौर सो so ऑन तो इस तरह से आपने स्पेसिफिक वाले जो वेल डिफाइंड सेट्स हैं उनको निकाल कर लिखना है और बाकी क्या आपको कौन सी चीजें राइट अबाउट बुक्स दैट यू नॉ टी चिल्ड्रेन इन योर क्लास वो सब वेल well डिफाइंड नहीं है तो आप उनको स्किप कर दोगे इस तरह आप क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करोगे नॉलेट्स क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर है P 1, 2, 3, 4, जो पी है सेट उसके अंदर वन टू थ्री फोर है एंड जो Q है सेट उसके अंदर से बी सी बी तो आपने अब बताना है कि एलिमेंट ऑफ और नॉट एन एलिमेंट ऑफ ये दो सिंबल्स हैं E वाला जो सिंबल है विच इज क्लोज टू E इज फोर ये चीज इसकी एलिमेंट है और ये जो E के ऊपर एक स्लैश लगी हुई इसका मतलब है कि वो इसकी एलिमेंट नहीं है ठीक है तो आपने नीचे आपको कई ज्यादा उनके पार्ट दिए आपने उन सबको देखने और बताने की क्या ये चीज इस सेट में फॉल करती है या नहीं एग्जाम्पल हम देखते हैं पहले पार्ट में आपसे कह रहे हैं टू इज डैश ऑफ पी टू एलिमेंट है पी का या नहीं है पी वाले सेट में टू लिखा हुआ है दैट मीन यस टू जो है इसका एलिमेंट है तो इसको हम इस तरह से कर देंगे फिर हम कह रहे हैं पार्ट फोर में डी इज डैश ऑफ क्यू क्या डी क्यू का एलिमेंट है अगर हम क्यू को देखें ए बी सी एंड डी तो डी लिखा हुआ यहाँ पर गैस इट इज एन एलिमेंट अगर हम अगली फिफ्थ ऑप्शन को देखें जी इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू अब जी क्या क्यू वाले सेट में कहीं मैं इट्स नॉट तो इसको हम लिख देंगे नो इट्स नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्यू इस तरह से आप बाकी पार्ट को भी सोल्व करोगे जो इसके अंदर इन्वॉल्व है जो इसके अंदर इंक्लूडेड है वो आपका हो गया एलिमेंट है जो नहीं है ऑब्वियसली उनको आपका होगा एलिमेंट नहीं है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन इसको जल्दी से हल करें एंड देन विल रिज्यूम विद क्वेश्चन नंबर नंबर सो आई होप यू डन विद दैट क्वेश्चन है लिस्ट एलिमेंट्स एंड नेम सेट्स अब इन वाले जो क्वेश्चन हैं इनके जो पार्ट हैं इसमें आपने बताना है कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे उनके मेंबर्स के नाम लिखने हैं और सेट को भी नाम देना है फॉर एग्जाम्पल नेचुरल या काउंटिंग नंबर्स लेस देन टेन पहले पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि वो काउंटिंग नंबर क्या होते हैं वन से ऑनवर्ड्स तो वो कह रहे हैं कि उसमें से जितने भी टेन से छोटे हैं उनको एक सेट में लिखें और सेट का नाम भी दें सेट का नाम अगर मैं एंड दे देती हूँ क्योंकि हम नंबर्स की बात करें और फिर सेट के अंदर एलिमेंट्स आते हैं वन से लेकर नाइन तक क्योंकि सब टेन से छोटे हैं तो मैंने लिख दिया वन टू थ्री फोर अब बजाय इसके मैं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन लिखू मैंने यहाँ पे एलिप्सिस यानी डॉट 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 डाला जिसका मतलब है कंटिन्यूड और फिर एंड पे नाइन लिख दिया तो मतलब वन से लेकर नाइन तक जितने भी नंबर्स हैं वो इस सेट में आते हैं इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन ये वाला पार्ट हल किया है उनको आपने सेट के अंदर लिखना है और सेट को नाम भी देना है तो मैंने सेट को नाम दे दिया वी क्योंकि वावल्स की बात हो रही है और इमेजेस के अंदर मैंने देखा कि आई है ए है और ई e है जो कि वावल्स है तो उनको मैंने सेट के अंदर लिख दिया मैंने उसके एलिमेंट्स भी बता दिया और सेट को नाम भी दे दिया अब बाकी के जो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के सिमिलर तरीके से आपने करने होंगे एलिमेंट्स आएंगे आई होप यू ऑल डन आगे देखते हैं विच ऑफ कौन जो है वो सेट्स बनाएंगे अब सेट्स बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है चीजों को वेल well डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए तो यहाँ पर अगर हम देखें मैंने इसके कुछ पार्ट सॉल्व किए हैं अगेन बाकी आपने खुद से करने हैं तो इनकी एग्जाम्पल देखते हैं पीपल इन अ टाउन क्या क्या आप इसको सेट में लिख सकते हो हो कि कि आपको पता है कि की क्या है की डेफिनेशन यूटिलाइज रही कौन स्ट्रॉन्ग कहलाएगा कौन नहीं कहलाएगा नो no. तो ये हम एक सेट में नहीं क्लासिफाई कर सकते ये वेल well डिफाइन नहीं है दूसरा है स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास क्या इसको हम डिफाइन कर सकते हैं यस yes, अगर हमें एक क्लास दिखाई जाए हमें बताया जाए तो हम कर सकते हैं लेकिन यहां पर हमें अ क्लास कहा नॉट ए स्पेसिफिक क्लास ठीक है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है इस तरह से हम कहेंगे कि पंजाब पंजाब well के जो rivers है, जो हैं हैं उनको आप ऑब्वियसली सेट में कर सकते हो यस so yes. आपको पता है कि पंजाब के अंदर जितने भी रिवर्स हैं वो इस सेट के अंदर इंक्लूडेड होंगे ऑनेस्ट पीपल इन अ नेबरहुड ऑनेस्ट अगेन इज वेरी वेग अनक्लियर तो नहीं इसको हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते एक सेट के अंदर ये वेल well नहीं है इस तरह से बाकी पार्ट्स को भी हल करें बताएं कि कौन सा जो है वेल well डिफाइंड है और सेट बन सकता है कौन से नहीं बन सकते डू दिस एक्सरसाइज फिनिश इट एज योर होमवर्क और फिर हम मिलेंगे अगले लेक्चर में एक्सरसाइज वन बी स्टार्ट करेंगे उसके बारे में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे तो जरूर आएगा मैं अगले लेक्चर में एंड टेक केयर देन अल्लाह हाफिज